हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गणेश चतुर्थी आने वाला है, जिसके लिए हम लोग बनाएंगे मिट्टी की छोटी सी गणपति बापा की मूर्ति। उसके लिए मैंने मिट्टी को कई बार ऐसे दो तीन बार छलनी से छान लिया, ताकि कंकड़ पत्थर उसके निकल जाएं। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका एक सॉफ्ट डो बना लिया है। इसी से हम लोग भगवान गणपति बापा की मूर्ति बनाएंगे। बचपन से ही हम लोग ये कहानी सुनते आए हैं, जो माँ पार्वती ने जब भगवान गणेश को बनाया था, तो उस टाइम पे उन्होंने भी मिट्टी का ही इस्तेमाल किया था। मिट्टी से ही उन्होंने गणपति जी को बनाया और फिर उसमें प्राण डाले थे। ये कहानी हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं। तो मिट्टी से हमेशा बनाना मतलब शुभ और सही माना जाता है। ऐसे ये गणपति पापा जी की मूर्ति जो हम बना रहे हैं, इसमें हमने किसी भी तरह की POP या फिर क्ले का इस्तेमाल नहीं किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित करेंगे, तो ये पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी। इसको पानी को हम और मिट्टी को हम लोग अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं, तो इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, गंदगी नहीं फैलती है। तो ऐसे एक एक पार्ट बनाते हुए हम लोग गणपति जी की मूर्ति को पूरा करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो ऐसे ही एक एक पार्ट बनाकर हम गणपति जी की मूर्ति को कंप्लीट करेंगे। स्टेबिलिटी मेंटेन रहे हमारी मूर्ति की, उसके लिए हम इसमें सपोर्ट देने के लिए मैंने एक सीख लगाया है, जिससे कि ये पीछे को ना झुक जाए और सीधी खड़ी रहे। तो मूर्ति को स्टेबिलिटी देने के लिए हम लोग सीख लगा रहे हैं। आप चाहे तो जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि, जैसे मैंने हाथ लगाया है, तो ये हाथ अगर आपको लगता है कि स्टेबल नहीं हो रहा है, तो इसमें भी हम एक सीख दे सकते हैं। सीख कोई भी आप, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही करके दोनों हाथ हम बना देंगे। दूसरे हाथ के लिए भी मैंने नीचे एक सपोर्ट के लिए गद्दी लगा दी है, जिसका वीडियो शूट नहीं किया है। और जो भी आपके पास टूल हो, उससे हम लोग इसको स्मूथ कर लेंगे। भी टूल आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कोई टूल नहीं अवेलेबल था, तो उसके लिए मैंने चाकू का इस्तेमाल ही किया है। और दूसरे हाथ के लिए भी हम लोग सेम तरीके से शेप देने के लिए किसी भी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने चाकू का इस्तेमाल किया है। कान बनाने के लिए भी मैंने सेम टेक्निक का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि कान को थोड़ा टिका के रखने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था, तो मैंने सेम सीक लगाया और उसको फेस के अंदर इंसर्ट कर दिया। इसको आप, अगर ये थोड़ा सा गिरने जैसा हो रहा है, तो आप पहले इसको किसी चीज़ से सपोर्ट दे देंगे। 5-10 मिनट बाद ये अपना स्टेबल हो जाता है। अब हमने गणपति जी की सूंड को बना दिया है, और उसको प्लेन कर लेंगे किसी भी टूल की हेल्प से। आपको शार्प एजेस ऐसे ना दिखाई दें कि अलग से हमने सूंड लगाया है, तो उसको हम लोग प्लेन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पगड़ी। आप चाहे तो मुकुट भी बना सकते हैं, पर मुझे लगा कि पगड़ी बनाना ज़्यादा सही रहेगा, उसमें ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली मिट्टी से हम वो बना पाएंगे, इसलिए मैंने पगड़ी ही बनाई है। गणपति जी की जो मूर्ति यहाँ पे हम लोग बनाना सीख रहे हैं, इसको हम लोग दो वीडियो में बनाना सीखेंगे। फर्स्ट ये जो पार्ट है, इसमें हम लोग गणपति जी की मूर्ति बनाना सीख रहे हैं कि उसको हम कैसे बना रहे हैं मिट्टी से। सेकेंड जो इसका पार्ट जो वीडियो आएगा, वो उसको में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इसको कलर कर रहे हैं। कलर करना भी एक ट्रिकी पार्ट होता है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी ये जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसको लगभग 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सूखने के लिए, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और इसमें हम लोग कलर कर पाएँ। कोशिश करिएगा कि आप इसको छाया में ही सुखाएं 2-3 दिन के लिए, इससे ये अच्छे से ड्राई हो जाता है पूरी तरीके से। और ये है इसका फाइनल लुक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें कलर करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।